हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, आज फिर से मैं वेस्टीज से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने और सुनने और समझने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरीके की बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो समय समय पर मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। और मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क बिजनेस के अंदर या वेस्टेज बिजनेस में फेल हो जाते हैं, उनका फेल होने का सबसे बड़ा कारण आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो कारण है, जो लोग मैक्सिमम लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, वो है वो लोग बदलाव नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ के अंदर बदलाव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, वेस्टेज बिजनेस में जब आप आते हैं तो एक शख्स जो आपका अपलाइन है वो आपको एक बात बोलता है कि यहाँ पे 2 या 3 या 5 सालों के अंदर आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप अपने ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में दूसरे काम से नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब वेस्टेज बिजनेस कुछ अलग है, कुछ ऐसा काम आप करने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं किया है। और जब ऐसा कोई काम हम करने के लिए जाते हैं जो आज तक हमने नहीं किया है, तो उस काम को हमें सीखना पड़ता है। और मैक्सिमम लोग जो हैं इस काम को सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जिस एटमोसफियर के अंदर रहते हैं, जिस माहौल के अंदर रहते हैं, वहाँ पर हम लोगों का एक माइंड सेट कर दिया जाता है। और वो माइंड सेट क्या है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप एक अच्छी सी नौकरी लगो, नौकरी लगने के बाद आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका जॉब से सपना पूरा होता है। हम बार बार अपनी मीटिंग सेमिनार में बोलते हैं कि नौकरी की कहावत होती है, भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। दोस्तों, नौकरी या किसी छोटे मोटे काम से ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कुछ ज़रूरतें, कुछ इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम ड्रीम की बात करते हैं, वो ड्रीम, वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो बचपन से जो हम लोगों का माइंडसेट किया जाता है वो यही किया जाता है कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, और नौकरी करने के बाद आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत वेस्टेज में जब आप आते हैं तो वेस्टेज में आपका सीनियर अपलाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो बोलता है कि आप यहाँ से कुछ ही समय के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमारा जो माइंडसेट है, जो बचपन से हमें जो हमारा माइंडसेट किया जाता है कि भाई आप लोग कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, या जब भी आपने कोई बड़ा काम करने की कोशिश की है तो लोग मना करते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं, इस काम में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो उसी माइंडसेट के साथ जब हम वेस्टेज बिजनेस के अंदर आते हैं और काम करते हैं, थोड़े बहुत कुछ चैलेंजेस आते हैं तो हम इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो ये क्लियर है कि अगर आपको वेस्टेज बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको उस माइंडसेट को चेंज करने में, उस सॉफ्टवेयर को चेंज करने में थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका वो माइंडसेट चेंज हो। एक ऐसे माहौल के अंदर आपको जाना पड़ेगा, और वो माहौल जो है वो है मीटिंग और ट्रेनिंग। और मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और लगभग 2 साल से मैं वेस्टेज बिजनेस में हूँ। मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो लोग भी मीटिंग्स ट्रेनिंग से बचते हैं वो कभी भी वेस्टेज बिजनेस में या नेटवर्क बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट वही रहता है, उसी माइंडसेट के साथ हम काम करते हैं। हमारी जो सोच है वो डेवलप नहीं हो पाती है, वो बड़ी नहीं हो पाती है, तो हम लोग कुछ टाइम के बाद ही थक हार के बैठ जाते हैं। मैक्सिमम लोग थक के बैठ जाते हैं। तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए दोस्तों, लगातार आपको मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाना चाहिए। लेकिन जब हमारा अपलाइन या आपका अपलाइन ये बात बोलता है कि मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आओ, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद पर्सनली उनका कोई फ़ायदा है, तो हम अपनी अपलाइन को भी शायद गलत नज़र से या गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, या उनके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद इसमें इसका ही फायदा है। दोस्त, ऐसा नहीं है। नेटवर्क बिजनेस जो है ये सबको समान अवसर देता है। आपकी अपलाइन के पास भी वही अवसर है और आपके पास भी वही अवसर है, लेकिन एक सिस्टम है कि आपको नेटवर्क बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए किसी ना किसी की डाउन में आना पड़ेगा, यानी आपका एक अपलाइन होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो जब आपका अपलाइन आपसे ये बात शेयर करता है कि भाई आप किसी मीटिंग, बहुत अच्छे स्पीकर की एक मीटिंग है, सक्सेस सेमिनार है, वहाँ पर आइए, लेकिन आप वहाँ पे नहीं जाते क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरीके का नहीं है। लेकिन मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आज जो मैं नेटवर्क बिजनेस में हूँ, अगर मेरी भी उस टाइम की अपलाइन, जब मैं किसी और कंपनी के अंदर था, अगर शायद ज़बरदस्ती करके किसी सेमिनार में मुझे नहीं ले गए होते, तो उस सेमिनार में जिस शख्स की बातों से मैं प्रभावित हुआ और उसके बाद मैं नेटवर्क बिजनेस में आया, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलवा सकता हूँ जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन जब उनकी स्टोरी आप सुनोगे तो वो अपने सेमिनार्स में अपनी स्टोरी में एक बात बताते हैं कि शुरुआत में वो उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन किसी सेमिनार में जब उनके अपलाइन उनको लेके गए तो वहाँ पे एक स्पीकर की बात उन्होंने सुनी और उस बात से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो नेटवर्क बिजनेस में बहुत सीरियस हो पाए और बहुत बड़ा काम कर पाए।
तो दोस्तों अगर आप वेस्टिज बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो पहली चीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, क्योंकि ये एक अलग टाइप का बिजनेस है, यहाँ पे जो पूरी जिंदगी में आपको नहीं मिलता है वो 5 साल के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग एटीट्यूड में आपको रहना है। तो जब भी आपका अपलाइन आपको कोई बढ़िया सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग रिकमेंड करता है तो आप उस ट्रेनिंग सेमिनार में जरूर जाएं, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो पुराना जो माइंडसेट है उससे आप बाहर आएंगे और एक नया माइंडसेट के साथ आप काम करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से लोग मैक्सिमम नेटवर्क बिजनेस को छोड़ देते हैं, उनको ये लगता है कि ये बिजनेस उनका अपना बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस हमें किसी और के माध्यम से मिलता है। तो मैक्सिमम लोगों की सोच ये हो जाती है कि ये बिजनेस अपलाइन का है, और लोग क्या करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपलाइन से करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अपलाइन को मैं कई बार पिछली मीटिंग में भी मैंने आपको बोला था, पिछली अपनी वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि अपलाइन को एज ए टूल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन हर जगह पे अगर आप अपलाइन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अपलाइन एक माध्यम है जिसने आपको ये बिजनेस दिया। दूसरा अपलाइन का जो रोल है वो ये है कि स्टार्टिंग के अंदर जब आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता है तो आपका जो एक्टिव अपलाइन होता है वो आपके साथ जाके कुछ आपके प्रेजेंटेशन कुछ आपके प्लान करेगा। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कुछ प्लान करेगा, सारे प्लान नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं देखता हूँ 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया जुड़े हुए, लेकिन वो अपलाइन से इस तरीके से चिपके रहते हैं जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कुछ बच्चे जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हर काम अपने माँ बाप से पूछ के करते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो लाइफ है बड़ी डिस्टर्ब रहती है, वो कभी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। और नेटवर्क बिजनेस के अंदर अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आपको एक अच्छी अपलाइन बनना पड़ेगा। तो आप अच्छी अपलाइन ढूंढने की बजाय अच्छी अपलाइन बनने की कोशिश करें कि लोग आपके जैसे बने। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आपका अपलाइन आपका प्रेजेंटेशन देता है, आपका प्लान देता है, उस प्लान को आप बहुत ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, आजकल मोबाइल आ गए हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करें और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको किसी अपलाइन की ज़रूरत नहीं होगी। तो अपनी अपलाइन को एज ए टूल आप इस्तेमाल करें, हर चीज़ के लिए आप अपलाइन को परेशान मत करें। जितना जल्दी हो अपलाइन से सीखें कि किस तरीके से एक बढ़िया प्रेजेंटेशन दी जाती है, उनकी हर एक्टिविटी को आप बहुत ध्यान से देखें और उनको फॉलो करें, उनको कॉपी करें। नेटवर्क बिजनेस कुछ नहीं है दोस्त, ये एक कॉपी करने का बिजनेस है। आपकी अपलाइन या आपकी क्रॉस लाइन में जो लीडर भी आपको अच्छा लगता है उसको देखने के बाद उसको कॉपी करने की कोशिश करें। कॉपी का मतलब ये नहीं कि 100% जीरोक्स कॉपी आप बन जाएं, यानी कि उनकी अच्छी बातों को ग्रैब करें, उसमें अपना स्टाइल डालें और आप आगे लोगों को बताना शुरू करें। इस दुनिया के अंदर जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, किसी को भी बोलना नहीं आता था, सबने इसी तरीके से धीरे धीरे बोलना सीखा है। तो पहली चीज़ लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहें, दूसरी चीज़ अपलाइन को एज ए टूल इस्तेमाल करें, खुद अच्छी अपलाइन बनने की कोशिश करें, अपलाइन के कंधों पर चलकर सारी ज़िंदगी अपने बिजनेस को ना करें। क्योंकि ये बिजनेस में आपने एक शब्द सुना होगा, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप और हम सब लोग क्या इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यहाँ पे जैसे आपके अपलाइन हैं वैसे ही आपको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब आता है तो हर काम हमें खुद करना है। अपलाइन सहयोग देने के लिए होता है या सिस्टम सहयोग देने के लिए होता है, लेकिन उसको पकड़ के हम उसको ये नहीं कह सकते कि अब सारी ज़िंदगी आपको हमारे साथ काम करना है। और बहुत सारे लोग तो बहुत अधिकार के साथ और बहुत मतलब मेरा मानना यह है कि बहुत एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि प्रेशर के साथ ये बोलते हैं कि आपने हमें ज्वाइन कराया है तो अब आपको ही हमें कामयाब बनाना पड़ेगा। दोस्त ऐसा नहीं है, आपकी अपलाइन ने आपको एक रास्ता दिखाया है, वो आपके कुछ प्लान करता है, उससे आप सीखें, उसकी रेस्पेक्ट करें और सीखने के बाद आप एक अच्छी अपलाइन बनने की कोशिश करें। क्योंकि आप डाउनलाइन तब तक हैं जब तक आपके नीचे कोई नेटवर्क क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन आपके नीचे कोई नेटवर्क क्रिएट हो जाता है तो आप उसी दिन अपलाइन बन जाते हैं। तो अपलाइन का रोल आपको भी बहुत जल्द अदा करना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट जो सबसे बड़ा है नेटवर्क बिजनेस के अंदर, जो मैक्सिमम लोगों को ख़त्म कर देता है बिजनेस के अंदर, जो इस सिस्टम के अंदर लोगों को कामयाब बनने नहीं देता है, वो है कि मेरी 1 या 2 या मेरी 3 लाख मेरी अपलाइन ही चलाएगा। 3 तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि 1 लाख तो मेरी अपलाइन ही चला के देगा। और दोस्त जिस व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती है ना कि मेरी 1 लाख जो है वो मेरा अपलाइन चला के देगा, मैं कोरे कागज पे आपको लिख के दे सकता हूँ, वो नेटवर्क बिजनेस के अंदर कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। और बहुत सारे लोग मुझे एक बात बोलते हैं, मेरी 1 लाख तो बहुत अच्छी चल रही है सर, 2 लाख मेरी बहुत अच्छी नहीं चल रही है।
अगर दूसरी लैग चल जाए तो शायद मैं कामयाब हो जाऊं। तो मैं यहां पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं सभी लोगों को, जो भी व्यक्ति ये बात बोलता है कि मेरी एक लैग बहुत ज़बरदस्त चल रही है दूसरी नहीं चल रही है, तो ये क्लियर है कि उसकी एक लैग भी जो है ना वो उसका अपलाइन चला रहा है, वो या अपलाइन या कोई डाउनलाइन चला रहा है, वो भी उसके दम पे नहीं चल रही है। क्योंकि जो व्यक्ति एक लैग अपने दम पे चला सकता है दोस्त, वो दूसरी लैग तीसरी लैग चौथी लैग भी अपने दम पे चला सकता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि ये एक कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी है कि मेरी अपलाइन मेरी एक लैग चलाएगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग, बहुत सारे ऐसे ड्रीमर्स जिनके जीवन में बहुत सपने थे और उनके अंदर बहुत टैलेंट था, वो ख़राब होते हुए देखे हैं नेटवर्क बिजनेस में। उनको मैंने नेटवर्क बिजनेस छोड़ते हुए देखा है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से कि मेरी एक लैग जो है वो मेरी अपलाइन चलाएगा। और दोस्तों वेस्टिज बिजनेस तो एक लैग दो लैग तीन लैग का बिजनेस है ही नहीं है, तो 6 लाख का बिजनेस है। आपको अगर सारी इनकम यहाँ पे चाहिए तो आपको 6 लाख चलानी है। अगर किसी भी रीज़न से किसी भी कारण से अगर आपका अपलाइन आपकी एक लैग चला भी देता है तो दोस्त बाकी की 5 लाख तो आपको चलानी है। तो सीधी सी बात है कि उस एक लैग को आपका अपलाइन चलाए, उससे बढ़िया खुद चलाना सीखें अपलाइन से बैठ के, कि किस तरीके से हम लोग ये टीम डेवलप करें, टीम नेटवर्क बनाएं, वो अपलाइन से सीख लें आप, है ना। क्योंकि ये कोटेशन आपने सुनी होगी, किसी व्यक्ति को रोज़ रोज़ मछली पकड़कर देने से बढ़िया उस आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो। तो अपलाइन का रोल यही होता है कि वो आपको मछली पकड़ना सिखाता है, यानी कि वो रोज़ रोज़ आपको थाली में मछली परोस के नहीं देगा, लेकिन वो आपको मछली पकड़ना सिखा देगा, जिससे क्या होगा कि कल को अगर आपका अपलाइन ना हो तो भी आपको कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्त ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वैसे तो हर कोई ये सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन आज मेरा मन किया कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं। तो पहली चीज़, अगर वेस्टिज बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आपको कंटिन्यू जाना चाहिए, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं जा रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अपनी अपलाइन को एज ए टूल्स इस्तेमाल करना है, जल्दी से जल्दी उनसे सीखना है और सीख के उसी चीज़ को डुप्लीकेट करके आपको बढ़ना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इस भरोसे पे आप ना बैठें कि आपकी अपलाइन आपकी एक लैग चला के देगा, या आपकी अपलाइन आपका टारगेट पूरा कराएगा पैसा खर्च करके, या आपकी अपलाइन कहीं बाहर जा रहा है तो सारा पैसा वो खर्च करे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अपलाइन के पास भी लिमिटेड समय है, लिमिटेड इनकम उसको आती है। और अगर इस गलतफहमी में आप हैं कि आपकी वजह से अपलाइन को पैसा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वेस्टिज के अंदर एक लैग नहीं है, वेस्टिज के अंदर लगभग 6 लैग पे काम होता है। अगर किसी कारण से एक लैग में आप काम नहीं करते हैं और आपकी अपलाइन को काम करना आता है तो किसी और से भी काम करा सकता है, क्योंकि जिसने काम करना सीख लिया वो किसी से भी काम करा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 3 चीज़ों पे आप आज से फोकस करना शुरू कर दिए। जब भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हो उसको आपको अटेंड करना है, क्योंकि ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट जो बिजनेसमैन वाला माइंडसेट है, वो एक दिन में या एक महीने में आपका डेवलप नहीं होगा, इसके लिए लगातार आपको मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाना होगा। दूसरा, आप अपनी अपलाइन को एज ए टूल इस्तेमाल करें। और तीसरा, अपनी अपलाइन की सभी बातों को आप ध्यान से सुने, ध्यान से माने, और उनसे ये उम्मीद ना रखें कि वो आपकी कोई लैग चलाएंगे, उनसे ये उम्मीद ना रखें कि वो आपके ऊपर कोई पैसा खर्च करेंगे, उनसे ये उम्मीद ना रखें कि वो आपका मंथ एंड के अंदर टारगेट पूरा कराएंगे। इन 3 चीज़ों से जितना जल्दी आप बाहर निकलेंगे, मैं गारंटीड आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो जो व्यक्ति इन 3 चीज़ों से बाहर निकल के आ गया है, उसका वेस्टिज बिजनेस, उसका नेटवर्क बिजनेस जो है वो बुलंदियों पर पहुँचना स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको मैसेज देना चाहता था। चलते चलते फिर वही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वेस्टिज ट्रेनिंग, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे इस तरीके की ट्रेनिंग वीडियो समय समय पर मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।